हेलो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट हेयर कट। तो गाइस, सबसे पहले हम बालों में कॉम करेंगे और फोर सेक्शन में डिवाइड करेंगे। देखिए आप, मैं कैसे कर रहा हूँ। अच्छे से बालों में सेक्शनिंग करेंगे पहले हम, फोर सेक्शन। तो ठीक है गाइस, ये देखिए, ईयर टू ईयर निकालना है बिल्कुल एकदम, ताकि आपको सेक्शन क्लीनअप से दिख सके, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको उसमें। ठीक है, ये देखिए गाइस, मैंने फोर सेक्शन कर लिए हैं। आगे वाले बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। ये हमारे फोर सेक्शन तैयार हो गए हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसमें से बीच में से सेक्शन लेंगे। ये देखिए, ये मेनली हमारी बनेगी गाइडलाइन बीच की। क्लाइंट को बोलेंगे थोड़े नीचे रहिए मैम, और फिर बाल पकड़ के नीचे से अच्छे से कॉमिंग करके, और कितना कट करना है एक बार दिखाइए। ये देखिए, हम इनको स्ट्रेट कट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे काटेंगे, 0 डिग्री पे। देखिए, चॉप कर दिया मैंने। वापस से इसी की गाइडलाइन लेंगे अब हम अपने दूसरे सेक्शन के लिए। अब हमारी ये गाइडलाइन चलती रहेगी। ये देखिए गाइस, अच्छे से कॉमिंग करनी है आपको, ताकि आपके सेक्शन अच्छे से आएँ और आपको जो गाइडलाइन है वो विजिबल हो। ठीक है, चॉप कर देंगे वापस से, फिर उस तरफ के सेक्शंस में कॉम करके। ये देखिए, कॉमिंग करी हमने, अच्छे से पकड़ा सेक्शन, और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे हम चॉप कर देंगे। ये देखिए, चॉप कर दिया। ये अब हमारे पीछे की गाइडलाइन एकदम रेडी हो चुकी है। अब ये इक्वल है। ऐसे करने का ये फ़ायदा रहता है कि बाल छोटे बड़े नहीं होते हैं। ये देखिए, वो फाइनल चेक करते हैं, कुछ लगता है तो देन चॉप। ये अब हमारा स्ट्रेट कट इस एक तरफ का हो गया है, इसी की गाइडलाइन लेंगे अब हम अपने ईयर के पास जाते हुए। ये देखिए, सेक्शन दिख रहे हैं आप, मेरा कैसे गाइडलाइन दिख रही है। अच्छे से कॉमिंग करेंगे, सारे सेक्शन पकड़ेंगे अच्छे से, बाल पकड़ेंगे। ये देखिए, कॉम कर रही है, और जो पुरानी वाली गाइडलाइन थी हमारी उससे ही लेके चॉप कर देंगे हम इसको। ये देखिए, चॉप। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एकदम स्ट्रेट बाल हो, और 0 डिग्री पे जाके आपको फिर चॉप करना है। अगर 0 डिग्री पे नहीं होगा तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसे सेम हम दूसरे साइड का पैटर्न करेंगे। फिर से हम गाइडलाइन लेंगे अपनी, ये देखिए, पीछे वाले बाल का थोड़ा सा लेंगे और आगे की तरफ के लिए आ जाएंगे। अब हम आगे वाले बालों में अच्छे से कॉम करेंगे, क्लाइंट का सेक्शन अच्छे से निकालेंगे। क्लाइंट को बोलेंगे अपना हेड थोड़ा रोक के, और फिर स्ट्रेट पकड़ के देन गाइडलाइन देख के चॉप करना है। ठीक है गाइस, ये हमने अपने फोर सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इनका हम स्ट्रेट कट कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे इसमें। इनको मैं एक छोटी सी फ्लेक्स देना चाहता हूँ इसमें, जो मैम की अकॉर्डिंग थी, इनको चाहिए थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटर सेक्शन लेंगे। ये देखिए, सारे बालों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए बनाएंगे छोटा सा एक, आगे के बालों को लेके, जिससे हम फ्लिक्स काटेंगे हेड पे। इस तरीके से ए सा बनाना होता है हमें। ठीक है, सारे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। क्लाइंट को बोलेंगे अपने सर अच्छे से रखें, फिर टाइट रख के क्लाइंट को बोलेंगे ऊपर देखिए, हाँ जी राइट। ये देखिए, अब हमने बाल सारे पकड़ रखे हैं, हम कॉमिंग करके देन लेवल लेके चॉप करेंगे। बहुत इजीली चॉपिंग होती है। ये देखिए गाइस, आप हम इसको करेंगे थोड़ा सा थिन। अगर थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा हो और लग रहा है कि हैवीनेस है, तो थोड़ा थिन कर सकते हैं हम इसको। थिन करने का ये फ़ायदा, हमारी फ्लेक्स अच्छी बनेगी इसमें। ये देखिए, चॉप करेंगे। ये हम करते हैं नोजिंग। नोजिंग हम जब करते हैं जब हमें बालों को थोड़ा सा थिन करना होता है, प्लस हमें उनमें फ्लिक्स में लेट्स देने होते हैं, तब हम चॉपिंग करते हैं। ये देखिए आप, दोनों तरफ का सेक्शन लेके करेंगे, ताकि वो कहीं पर भी रखें तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देन एक्स्ट्रा जो चॉप। अब आप क्लाइंट से पूछेंगे आप कहाँ रखते हैं, इस तरफ मैम पार्टीशन लेना चाहते हैं आप, ठीक है, या फिर उस तरफ पार्टीशन लेना चाहते हैं, वो एनो एड ऑन डिमांड है। अभी हमने इसका ड्राई नहीं किया है, नॉर्मल है। ड्राई की वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, देख सकते हैं बैच कितना